दोस्तों, शायद आप लोगों ने जस्टिस कैलाश नाथ वांचू का नाम सुना हो। ये भारत के 10वें चीफ जस्टिस रह चुके हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, ये भारत के इकलौते ऐसे चीफ जस्टिस रहे हैं जिनके पास कानून की कोई डिग्री नहीं थी। इसका मतलब ये वकील नहीं थे। कैलाश नाथ वांचू एक ICS ऑफिसर थे, यानी इंडियन सिविल सर्विस, जिसे भारत में आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी IAS कहा जाता है। ICS में उनका सिलेक्शन हुआ था 1924 में, और 1926 में उन्होंने सर्विस ज्वाइन किया एज असिस्टेंट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर इन उत्तर प्रदेश। लेकिन बाद में उनकी क्रिमिनल लॉ की नॉलेज देखते हुए उन्हें 1937 में बनाया गया डिस्ट्रिक्ट जज। बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज बने, और उसके बाद 1951 में राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। फाइनली 1956 में उन्हें अपॉइंट किया गया एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और तब भारत के चीफ जस्टिस थे के सुब्बा राव। लेकिन फिर अचानक से 11 अप्रैल 1967 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सुब्बा राव ने रिजाइन कर दिया प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए, और इसीलिए के एन वांचू को अपॉइंट किया गया एज चीफ